रीवा जीरा पंचम सत्र न्यायाधीश की अदालत से एक अहम फैसला आया है, जिसमें पत्नी की हत्या के आरोप से पति को दोष मुक्त कर दिया गया है। उक्त मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन और पंचम लाल साकेत के विरुद्ध 302, 306, 498 का मामला चल रहा था। आरोपी पंचम लाल साकेत के ऊपर आरोप था कि वह अपनी पत्नी कुसुम कली को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वह होली के दिन अपनी पत्नी के साथ अजय साकेत नाम की युवक को चार पाई पर बैठे देख लिया था, जिसे गला घोट कर फांसी के फंदे पर लटका दिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ऐसे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए जिस पर सिद्ध किया जा सके कि पंचम लाल साकेत ने पत्नी की हत्या की थी। आपको सुनाते हैं आरोपी पंचम लाल साकेत की पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव सिंह को पूरा घटनाक्रम क्या है। माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा श्री विवेकानंद त्रिवेदी जी के यहाँ राज्य बनाम पंचलाल साकेत का मुकदमा चलता था, सत्र प्रकरण चलता था, जिसमें पंचलाल साकेत के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने अपनी पत्नी कुसुम कली साकेत को होली के दिन वर्ष 2014 17/3/2014 को जो है उन्होंने अपनी पत्नी को खाट में रात में अपने भतीजे अजय साकेत को बैठे हुए साथ में देखा, जिससे उनको गुस्सा आया आरोपी को, और गुस्से के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और मारपीट करने के पश्चात फांसी के फंदे पर लटका करके हत्या कर दी, ऐसा उनके ऊपर आक्षेप था, ऐसा आरोप अभियोजन लगा रहा था। आरोप लगने के पश्चात मुकदमा दर्ज हुआ 306 का, 498 का और 302 का भारतीय दंड विधान का। उसके पश्चात गिरफ्तार किया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, चालान पेश किया गया और जिसका ट्रायल जो है पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ चला। अभियोजन द्वारा 8 साक्षियों का परीक्षण कराया गया और परीक्षण के पश्चात आज जो है मामले का निराकरण किया गया और माननीय न्यायालय ने निराकरण करने के पश्चात ये पाया कि जो है आरोपी जो है उसके विरुद्ध अभियोजन हत्या के मुकदमे में जो आवश्यक साक्ष्य है वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, असफल रहा है, मामले को साबित करने में असफल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मामले में आरोपी को हत्या के मुकदमे से दोष मुक्त किया। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।